दोस्तों, अगर आप शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच से पहले शुभमन गिल का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर पहुंची साउथ अफ्रीका। दोनों को एक दूसरे के साथ किया गया स्पॉट। तो आखिर सारा तेंदुलकर अचानक क्यों पहुंची साउथ अफ्रीका? गिल और सारा एक साथ कहां पर आए नजर? क्या दोनों को एक साथ देख क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर हुए हैरान? दोनों को देखकर क्या था सचिन का रिएक्शन? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और रिंकू सिंह में कौन टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पांच मैच की टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने करारी धूल चटाकर सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया, जिसके बाद यह कारवां भारत से सीधा साउथ अफ्रीका पहुंच गया। टीम इंडिया को यहां पर 3 T20 मैच, 3 वनडे मैच के साथ साथ 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला डरबन के किंग्स मीट में 10 दिसंबर को खेला जाने था, लेकिन यहां पर सुबह से मूसलाधार बारिश ने दस्तक दे दी थी, जिसके कारण मैच लंबे समय तक शुरू नहीं हो सका। यह मैच भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे से शुरू होना था। वहीं 7 बजे टॉस उठने का समय था, लेकिन बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। लगभग 9 तक दोनों टीमों ने मैच शुरू होने का इंतजार किया, लेकिन बारिश रुकी नहीं और फिर दोनों एम्पायरों ने निर्णय लिया कि मैच को रद्द किया जाए। इसके बाद पहला टी20 मुकाबला भारत और अफ्रीका के बीच रद्द कर दिया गया। अब टीम इंडिया का दूसरा मुकाबला 12 दिसंबर को अफ्रीका के सेंट गॉर्गी पार्क में खेला जाना है, लेकिन इस मैच से पहले सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि दूसरे मैच से पहले शुभमन गिल की गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर भी साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है। वो शुभमन गिल का हौसला बढ़ाने के लिए आई है। इन दोनों को अफ्रीका में एक साथ स्पॉट भी किया गया। साथ ही शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर को दूसरे मुकाबले से पहले स्टेडियम में भी देखा गया था, जहां गिल प्रैक्टिस करते नजर आ रहे थे, तो वहीं स्टेडियम में बैठकर सारा तेंदुलकर उनका हौसला बढ़ा रही थी। इसके बाद तो ये लम्हा देखकर सारा तेंदुलकर के पिता क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी हैरान रह गए। इन दोनों को एक साथ देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गिल और सारा के रिएक्शन का खुलासा अभी तक तो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, लेकिन इन दोनों को एक साथ कई दफा देखा गया है, जहां सारा गिल का सपोर्ट करने के लिए हर मैच में स्टेडियम जाती है, लेकिन इससे पहले सारा तेंदुलकर गिल का सपोर्ट करने के लिए विश्व कप में हर मैच में देखने गई थी। वहीं अब साउथ अफ्रीका में भी सारा तेंदुलकर पहुंच चुकी है गिल का सपोर्ट करने के लिए। वहीं गिल फैंस इस कपल को देखना बहुत पसंद करते हैं। अब देखना यह होगा कि दूसरे टी20 मुकाबले में अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल का बल्ला किस अंदाज में दहाड़ता है। हर किसी को इस खिलाड़ी से बहुत उम्मीद है, लेकिन दोस्तों पहले ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में करारी धूल चटाकर टीम इंडिया ने 4-1 से सीरीज को अपने नाम किया। इसके बाद यह कारवां साउथ अफ्रीका पहुंच गया। यहां पर टीम इंडिया को 3 T20 मुकाबले और 3 वनडे मैच के साथ 2 टेस्ट सीरीज खेलनी है, जहां टीम इंडिया का पहला टी20 मुकाबला साउथ अफ्रीका से आज डरबन के किंग्स मीट स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन मैदान पर सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण मैच शुरू होने में भी देरी हो रही थी। भारतीय समय अनुसार ये मैच 7:30 बजे से शुरू होना था। वहीं 7 बजे टॉस उड़ने का समय था, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबे वक्त के इंतजार के बावजूद मैच शुरू नहीं हो सका। टॉस तक नहीं उड़ पाया। लगभग 9 तक टॉस उड़ने का इंतजार किया गया, मगर बारिश रुकने का नाम नहीं ली और दोनों एम्पायर ने मिलकर डिसीजन लिया कि मैच को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, बारिश रुकने वाली नहीं है। जिसके बाद पहला टी20 मैच भारत और अफ्रीका के बीच रद्द कर दिया गया। वहां की जनता ये डिसीजन सुनकर पूरी तरह से बौखला गई। सभी अफ्रीकी फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। फैंस नाम पूरा मन बना लिया। भारतीय खिलाड़ियों को जमकर पीटने का किसी को तनिक भर अंदाजा नहीं था कि अफ्रीका की टीम इंडिया की ऐसी हालत करने वाली है। जब मैच रद्द हुआ तो भारतीय फैंस स्टेडियम से होटल के लिए रवाना होने के लिए बस में बैठने के लिए जा रही थी। उसी दौरान अफ्रीका की टीम ने खिलाड़ियों की बस को पूरी तरह से घेर लिया। और फिर क्या, फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कुछ फैन तो टीम इंडिया की बस पर पत्थरबाजी करने लगे, वहीं जमकर नारेबाजी भी शुरू कर दी। फैंस का गुस्सा देखकर लग रहा था कि आज टीम इंडिया की शामत आ गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पसीने छूटने शुरू हो गए थे। फैंस ने पूरा टारगेट बनाया था रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की जमकर कुटाई करने का। भारी संख्या में फैंस को देखकर टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों हक्के बक्के उड़ गए। लेकिन आपको बता दें, वहां की सिक्योरिटी ने टीम इंडिया को बाल बाल बचा लिया और सुरक्षित बसों में बैठाया और वहां से होटल के लिए रवाना किया। आपको बता दें, किसी भी भारतीय खिलाड़ियों को चोट नहीं आई है। सभी खिलाड़ी सुरक्षित होटल पहुंच गए। सच में वहां की सिक्योरिटी को सलाम है। जिस तरह से टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को बचाकर होटल पहुंचाया गया, वो देखकर हर कोई हैरान है, वरना आज तो भारतीय खिलाड़ियों की शामत आ ही गई होती। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की जमकर कुटाई की, और लेकिन भारत का हर एक खिलाड़ी सुरक्षित है। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है दूसरे टी20 मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल से शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप में मिली हार के बाद करोड़ों हिंदुस्तानियों का गुस्सा
सातवें आसमान पर था, लेकिन तुरंत बाद टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज में 4-1 से जीत दर्ज कर अपने फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला दी, जिसके बाद टीम इंडिया अगली चुनौती लेने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच गई। यहां पर भारतीय टीम को 3 T20 मैच, 3 वनडे मैच और 2 टेस्ट मैच खेलना है। भारत और अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला आज डरबन के किंग्स मीड के मैदान पर खेलना था, लेकिन मैच शुरू होने में देर हो गई क्योंकि बारिश ने आकर मैच का पूरा मजा किरकिरा कर दिया। लंबे वक्त तक बारिश ने टॉस को भी उड़ाने नहीं दिया। दोनों टीमों ने टॉस होने का काफी इंतजार किया। दोनों टीमों में से इस मैच को शुरू करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी दरमियान स्टेडियम में मौजूद अफ्रीका की खूबसूरत हसीन लड़की पहुंची थी, जो कि शुभमन गिल की बहुत बड़ी फैन नजर आ रही थी। वो अपने हाथ में गिल के नाम से बना हुआ एक पोस्टर भी लेकर आई थी। ये शुभमन गिल की बहुत बड़ी दीवानी नजर आ रही थी और इस खूबसूरत हसीन लड़की का पोस्टर देख कर कैमरामैन भी अपनी नजरें छुपा नहीं सका और इस लड़की पर पूरी तरीके से फोकस कर दिया, जिसके बाद ये लड़की सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई। ये गिल की बहुत बड़ी फैन नजर आ रही थी। उसे पोस्टर में गिल का एक खूबसूरत फोटो लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि गिल कुड यू प्लीज थ्रो माई दिल बैक, बस फर क्या था। ये देख कर हर कोई हैरान रह गया। वहीं गिल की गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर भी इस लड़की को देख कर पूरी तरीके से हैरान थी। उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई, वो पूरी तरीके से सोच में पड़ गई थी। उनका गुस्सा देख कर तो लग रहा था कि इस लड़की पर वो जम कर फूटने वाला है। और आखिर कौन है अफ्रीका में गिल की ये बहुत बड़ी दीवानी लड़की, सोशल मीडिया पर जो आग की तरह वायरल होने लगी। हर कोई इस लड़की को खूब ट्रोल भी करने लगा। जब हर कोई मैच शुरू होने का बारिश के कारण इंतजार कर रहा था, तब ये लड़की पोस्टर उठाकर गिल को दिखा रही थी, जिसके बाद तो ये लड़की अफ्रीका से लेकर भारत तक चर्चामय बन गई है। और ये लड़की गिल के लिए पागल नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कई वर्षों से गिल के लिए काफी इंतजार कर रही हो। वो लड़की बेहद खूबसूरत और हसीन थी, हाथ में गिल का पोस्टर हमेशा मैदान में दिखा रही थी, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। अफ्रीका के मैदान पर पहले ही T20 मुकाबले में बारिश के कारण 6 गेंदों का खेला गया महामुकाबला। सूर्य और रिंकू ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए अफ्रीका के सामने 6 गेंद पर खड़ा कर दिया पहाड़ जैसा स्कोर। तो आखिर कैसे बल्ले के बाद गेंद से मोहम्मद सिराज ने अपना कातिलाना अंदाज दिखाकर अफ्रीकी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर, और पहले ही मुकाबले में अफ्रीका की सरजमीं पर भारत ने रचा इतिहास। इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में कौन है T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप में मिली करारी हार के बाद भारत ने T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1 से हरा कर करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया, जिसके बाद यह कारवा साउथ अफ्रीका पहुंच गया। अफ्रीका में टीम इंडिया को 3 T20 मुकाबलों और 3 वनडे मैच खेलना था, इसके साथ 2 टेस्ट मैच भी खेलने हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला डरबन के किंग्समीड मैदान पर खेला जाना था, पर इस मुकाबले में बारिश ने आकर खलल डाल दिया। दोनों टीमों ने बारिश रुकने का समय तक इंतजार किया, जिसके कारण टॉस उड़ाने में भी देरी हुई। करोड़ों हिंदुस्तानियों को भी इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। हर कोई चाह रहा था कि बारिश जैसे ही रुक जाए मैच को शुरू किया जाए। स्टेडियम में बैठे दर्शक और भारतीय फैंस के डिमांड पर बारिश के रुकते ही दोनों अंपायर ने मिलकर कप्तान के साथ बातचीत करने दे दिया और 1-1 ओवर का जबरदस्त सुपर ओवर मुकाबला खेला जाएगा। चैंपियंस भी तलाश थी, इसलिए दोनों टीमों के बीच 1-1 ओवर का मैच खेलने का निर्णय लिया गया। टॉस उड़ाया गया और टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से 6 गेंद का सामना करने मैदान पर रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव उतरे, देखकर अफ्रीकी खिलाड़ियों के होश उड़ गए। और अफ्रीका की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए लुंगी एंगड़ी। सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर पूरी तरह से तैयार खड़े थे। पहले ही गेंद पर नेंगड़ी के खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी के नजारे दिखाते हुए अंपायर के ठीक ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया गया और पहली गेंद पर टीम इंडिया का खाता छक्कों के साथ खोल दिया गया। सूर्य कुमार यादव दूसरी गेंद को भी खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। नगरी की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक चौका जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को 2 गेंद पर 10 रनों तक पहुंचा दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी पूरी तरह से हैरान हो गए। अफ्रीका के खतरनाक कप्तान मार्कम भी हैरान हो गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लुंगी एंगड़ी की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने खतरनाक अंदाज में गरीबों गरीब शॉट लगाकर विकेट कीपर के ऊपर से ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर गेंदबाज भी हैरान रह गए। भारत के स्कोर को 3 गेंद में 16 रन तक पहुंचा दिया और गेंदबाज को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था सूर्य कुमार यादव को गेंद कहां फेंके। सूर्य अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंदबाज के 4th-5th गेंद को भी छक्के में सूर्य कुमार यादव ने तब्दील कर दिया और टीम इंडिया के स्कोर को 5 गेंद में 28 रनों तक पहुंचा दिया।